हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है, इसका टॉपिक है उनके मन में क्या चल रहा है। और यस, ये आज की एनर्जी है, हम आज उनके मन में क्या चल रहा है वो देख रहे हैं, आज की करंट एनर्जी है। और यस, उसके अलावा ये रीडिंग जनरलाइज जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। और साथ ही साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीटा पे ध्यान नहीं दें, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे दें, ठीक है। और ये है आप सभी की फेवरेट डाइस रीडिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, मुझे बताएं उनके मन में इनके लिए आज क्या चल रहा है। ओ भांजे वाली फीलिंग आ रही है, भांजे। ओ नहीं, ओ महाभारत में एक शकुनी टाइप के दिखाई देते हैं, वैसी वाली एनर्जी। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी कैंसर हो सकती है, एरीज हो सकती है, टॉरस हो सकती है, और स्कॉर्पियो हो सकती है, पाइसिस, वर्गो एनर्जीज भी हो सकती है, कुंभ राशि भी हो सकती है। ओके, इनके बर्थ नंबर्स में जो मुझे स्ट्रांगली मिला है वो 1 नंबर हो सकता है, या 11 नंबर हो सकता है, या 10 नंबर हो सकता है। ऐसी एनर्जी ज़्यादा चांसेस दे रही है, और नंबर 4 हो सकता है। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच की एनर्जीज जो मैं देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में इस वक्त आपको लेकर रिकंसाइल करने के बारे में सोच विचार चल रहा है, रीयूनियन के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति को आपको मैसेज या कॉल करने में डर लग रहा है, इनको रिजेक्शन का डर है, इनको लग रहा है ये आपसे बात करेंगे तो आप इनको हकाल देंगे कि आ गया बेशरम, बेहया, अब आ गया तेरा, तेरे को याद आ गई मेरी। लाइक बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपसे डरते हुए नज़र आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं यार, ये इंसान जो है मेरी हालत ख़राब कर देंगे अगर मैं जो है ऐसे डायरेक्टली गया तो ये कहीं ना कहीं कोई बहाना ढूंढ रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है ये यूनियन चाहते हैं, पर ये बहुत डरे हुए हैं आपसे। इनको कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत स्ट्रांगली रिकन्सलेशन चाहिए, ये बहुत स्ट्रांगली यूनियन चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिखाई दे रहा है। लास्ट कुछ टाइम पहले ना इन्होंने एटीट्यूड भी बहुत दिया है आपको, या तो बहुत बदतमीज़ी से बात की है, बहुत रूढ़ ईगो दिखाया है इस व्यक्ति ने आपको, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ईगो, बहुत बदतमीज़ी से बात की, या बहुत इस तरह से रिस्पॉन्ड दिया जिससे ऐसा लगा कि थप्पड़ी लगा लूँ एक खींच के, या तो कुछ ऐसा झूठ बोला जो नहीं बोलना चाहिए, इसलिए अब डर रहे हैं कि अब आप बात करें तो करें कैसे, आप बात करेंगे ही नहीं, आप तो लगा देंगे एक दो खींच के, तो इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि ये कहीं ना कहीं एक चीज़ और जानते हैं कि आप दिल के बहुत सॉफ्ट हो, आप इनको माफ़ करेंगे, लेकिन इनको आने के लिए कोई बहाना ज़रूर चाहिए, ये बहाने के बिना नहीं आ सकते। बिना बहाने आ गए तो इनको अच्छे से पता है कि आप इनकी खैर नहीं मनाएंगे, आप इनकी बैंड बजाएंगे। ये कहीं ना कहीं कोई सही अवसर का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आसपास में कोई सेलिब्रेशन ढूंढ रहे हैं, कि कोई सेलिब्रेशन आए और ये किसी बहाने से आपको मैसेज करें ताकि आप दोनों के बीच में बातचीत हो जाए। यस, गिल्ट है जो भी इन्होंने किया उसके बाद, और उसका कारण ये है कि इसके इश्यूज़ के बाद जो इन्होंने आपको एटीट्यूड दिखाया, ईगो दिखाया, और आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, या जिस तरीके से कोल्ड बिहेवियर देना शुरू कर दिया, ऐसा दिखाई दे रहा है उसके बाद से इनकी ज़िंदगी में इनके बहुत ज़्यादा टेंशन ही टेंशन और स्यापे शुरू हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि घर में तो इश्यूज़ हो ही रहे हैं, प्लस फाइनेंशियल इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि तब से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, और अब ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लोनलीनेस है ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है इनकी ज़िंदगी में। अब इनके आसपास इनको कोई नज़र ही नहीं आ रहा, किस पे भरोसा करे या किससे बात करे, कोई इनका गुस्सा भी हैंडल नहीं कर सक रहा। क्या इनकी आदत है, ये ईगो दिखाएं, गुस्सा दिखाएं, या चिल्लम चिल्ली करें, तो आप इनको हैंडल कर लिया करते थे प्यार से, और आप ना इनके साइड में ज़्यादा रहते थे, इनके साइड में इनको समझाते थे कि सही है, तुम सही बोल रहे हो। कहीं ना कहीं आप इनको चने के झाड़ पे चढ़ाने में एक्सपर्ट थे, मतलब आपको 50 बार लगता था कि सामने वाले की गलती है, मेरे बंदे की गलती है, बट आप मुँह पे ना चने के झाड़ पे चढ़ा देते थे इनको कि नहीं सही है, तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा राइट है, हाँ भाई बोलो, कैसे कैसे कर सकते हैं। एक सपोर्ट मिल जाता था ना आपकी तरफ से, इस सपोर्ट को मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं कि आप कैसे उनको पैम्पर करते थे, मे बी आप इनको बहुत ज़्यादा स्पेशल थेरेपी देते थे रिलैक्सेशंस की, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप इनको रिलैक्स करने की या पैम्पर करने की बहुत कोशिश करते थे। काइंड ऑफ एक होता ना बच्चे जैसे ट्रीट करना, या प्रिंस या प्रिंसेस जैसी फीलिंग देना, आप वैसी एनर्जी देते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मानो आप इनको बहुत ज़्यादा जो है संभालना जानते हो, और इस चीज़ को वो मिस कर रहे हैं कि यार इससे अच्छा तो वो है, वही मेरे को संभाल लेती थी या संभाल लेता था, मेरे मूड स्विंग्स भी इसने हैंडल किए हैं, और अब इनको आना है, बात करनी है तो बात करे, तो करे कैसे।
बाकी ये रिकनसाइल करना चाहते हैं वेरी स्ट्रांगली, ये मरे जा रहे हैं रिकनसाइल करने, ये मरी जा रही है लिटरली मैं बोल रही हूँ, आपके पार्टनर आपकी पर्सन पर्सन ही दोनों ही जो भी है लड़का है या लड़की, ये मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बट इनका इतना गंदा वाला एटीट्यूड है ना, ऐसा लग रहा है इतना एटीट्यूड रहा है इस बंदे में, ओवर थिंकिंग इतनी दिखाई दे रही है कि भाई बहुत सोच ही रहे सोच ही रहे सोच ही रहे कि अरे यार जाना तो है, करें क्या, कैसे जाएं, बैठ के दिमाग में ना बहुत सारी खिचड़ी पकाते चले नजर आ रहे हैं, और ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि सोच रहे हैं कि क्या करना है कैसे करना है। आएंगे ये खुद आएंगे, आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, मत करना मैसेज, पता चला आज ही मैसेज कर दिया शो ना मुझे याद कर रहे हो, नहीं ये फिर एटीट्यूड दिखाएंगे, आप थोड़ा संभलो उनको आने दो, नहीं तो इन्हें अक्कड़ ऐसे दिखाएंगे और ऐसे दिखाएंगे कि अरे मैं तो सोच ही नहीं रहा था तुम्हारे बारे में, मैं तो अपने आप में मज़े में हूँ, तुमको किसने बोला मैंने तुमको याद किया, इस तरीके की एनर्जी दे सकते हैं, इसीलिए आप इनको ध्यान मत दो, ये खुद होके आने वाले हैं, क्योंकि एक्शन दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी में, एक्शन आएगा, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है ये बहुत कन्फ्यूज है, बहुत कन्फ्यूज, इनके हालात बहुत ऐसे हैं कि क्या करूँ कैसे करूँ कुछ समझ, मतलब फ़ोन उठाकर भी फ़ोन रख देना, आपके अगल बगल चक्कर लगाना, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर ये आपके बारे में बहुत ट्राई कर रहे हैं और परेशान बहुत है, अपसेट है, अकेला फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, और होता ना कि साथ बैठकर आप जो एक दोस्त वाला एक बोलते ना दे देते थे वाइब, कि इनको लगता था अब जिंदगी की ना सारी जंग बड़ी आसानी से जीती जा सकती है, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एक ऐसी फीलिंग दे देते थे आप इनको कि भाई ये अपनी चुनौतियों को सामना कर ले, अब ना जैसे वो फीलिंग देने वाला कोई नहीं है, कोई महसूस नहीं करा पा रहा है कि मोटिवेशन दे ही नहीं पा रहा है, और जैसे कोई काम में ना वो एक्साइटमेंट वो मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है इनको, शेर वाली या शेरनी वाली एनर्जी नहीं आ रही, घर में भी मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि लोगों से लड़े पड़े हैं, ये घर में भी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, घर में भी लोगों से झेड़े लगा रखे हैं, लोगों से मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं, किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, चिढ़कर बैठ गए हैं एक तरह से, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी से बात नहीं कर रहे, गुस्से में हैं, ना घर पे अच्छा लग रहा है ना काम में मन लग रहा है, ध्यान बार बार आपका आ रहा है यार वो बात नहीं कर रही है, वो बात नहीं कर रहा है, मैंने क्या किया, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है अब सॉरी बोलना पड़ेगा, और सॉरी भी इतना आसानी से आप तो माफ़, ऐसे तो आप दिल के बहुत साफ़ हो लेकिन मौका इस तरह से हो, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली आएंगे तो डेफिनेटली गाली खाएंगे, तो मौका ढूंढ रहे कुछ, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी आ रहा है कि कुछ गिफ्ट दे दूँ क्या, कोई सरप्राइज़ दे दूँ क्या, हो सकता है फिर मुझे मतलब बोलते हैं ना मेरी गलतियाँ देखना भूल जाए, बट इनको मालूम है कि वो गिफ्ट भी आप मुँह पे मारोगे अभी इनको देके, कि निकल यहाँ से निकल पहली गली से निकल चल, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप जो है इनको डरा कर बैठे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत नॉर्मल हो गए हो, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, अलर्ट हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ऐसे चल रहे हो कि ठीक है मज़ा चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, मत आ बैठा रहे तू, या तू बैठी रहे, तू लायक ही नहीं है, तू जाए यहाँ से, तू सुधरेगी नहीं ना, तू सुधरेगा नहीं ना, क्योंकि इनकी आदत है इनको झूठ बहुत बोलना आता है, या तो बात बात पे बातें बनाते हैं, तो आप तो वैसे ही तंग हैं इनसे, तो आपको लग रहा है वैसे ही नहीं सुधरेगा तू, ठीक है भाड़ में जा मुझे तू चाहिए ही नहीं, इट्स बेटर कि तू मेरे मैं तेरे बिना ही खुश हूँ, आप नॉर्मल हो गए अपनी लाइफ में मस्त मज़े में इंजॉय कर रहे हो, दोस्तों के साथ उठ बैठ रहे हो, या मे बी ऐसे दोस्तों के साथ वाले फोटो वोटो लगा रहे हो, और अब इनको लग रहा है कि अरे यार, क्योंकि मुझे इससे दिखाई दे रहा है आप पार्टी सेलिब्रेशन गेट टुगेदर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो, या मे बी कोई योगा या वर्कआउट शुरू कर दिया है, कोई पोस्ट वगैरह इन्होंने आपका देखा ज़रूर है, और ये आपको बहुत नॉर्मल फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है आप बहुत नॉर्मल हो गए हो, और इसके चक्कर में तो अब इनको और ज़्यादा टेंशन है कि अरे यार आप जो है अब इनको भाव दोगे कि नहीं दोगे, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या करने वाले हैं, कुछ करेंगे भी या ये सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे, अभी दुविधा में है, थोड़ा टाइम दो इनको, अभी दुविधा में, अभी परेशान है फिलहाल, और फिलहाल तो इतने परेशान है मैं क्या ही बताऊं, मुझे तो हंसी आ रही है एक्चुअली, मुझे दुख नहीं हो रहा है, मुझे इनकी हालत को देख के हंसी आ रही है, क्योंकि इन्होंने खिचड़ी और रायता खुद फैलाया था अपनी ज़िंदगी में, आप दोनों के प्रॉब्लम्स इन्होंने खुद बढ़ाए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ईगो इशूज़, मिसअंडरस्टैंडिंग, सच खुलकर ना बोलना, बातें क्लियर ना करना, और जब आप पूछो तो आपके सामने से भाई मेरे अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं, मेरे तो फीलिंग्स ख़त्म हो गई है तुम्हारे लिए, मैं तो तुमसे प्यार करता ही नहीं हूँ, या अवॉइड करना या एकदम रिस्पॉन्ड नहीं देना, इस तरीके से आपको बार बार जो है कम महसूस करवाना, तो अब उसके बाद कैसे क्या ये बोले कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, कैसे ये अब बात करें, आप इनको सीधा थोड़ी ना सुनेंगे, तो ये डेफिनेटली बहुत कन्फ्यूज हैं, दुविधा में हैं, यहाँ पर रीयूनियन के लिए मरे जा रहे हैं, इनको रीयूनियन चाहिए, ये तड़प रहे हैं आपके लिए, ये बंदा या ये बंदी आपके लिए तड़प रहे हैं, मोहतरमा याद रहे, या बहन जी या भाई साहब, आपके पार्टनर आपके लिए पागल आ रहे हैं बहुत बुरी तरह से, और इनके हालात बहुत ख़राब हैं इस वक्त,
इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पर आप मज़े में रहो क्योंकि ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र टिका कर बैठे हैं, और आप जितना हंस रहे हो उतना इनकी और तड़प बढ़ रही है, और तकलीफ़ हो रही है इनको कि अरे यार मारो मुझे मारो वाली एनर्जी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं मज़े करो, इन्जॉय करो, जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो क्योंकि उससे इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, और इस तकलीफ़ को इन्जॉय करो। अभी ऐसे मत बोलो ओ मेरे बाबू सोना दीदी वो तकलीफ़ में, आप बोल रहे हो हम उनको जलाएं, नहीं नहीं हम उनको नहीं जलाएंगे, नहीं, तड़पाते रहो क्योंकि ये तड़प ही इनको एहसास करा रही है अब कि इनको आपके पास आना चाहिए। आप जब इतने ज़्यादा इनको खुश देख रहे हो ना, तो इनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तब इनको मिर्ची लग रही है, तब इनको आपकी याद आ रही है। तो उस एनर्जी में रहो, उस एनर्जी को बदलो मत कि नहीं नहीं दीदी हम नहीं करेंगे ऐसा, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये मत करना, ठीक है। एक मिनट रुको, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है नहीं फ्यूचर में। देखा, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट मिलेगा भाई अब इस व्यक्ति से, मरे जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, मैंने बोला दीदी कि अरे बाप रे, देखो ना बॉटम ऑफ द डेक रिकंसलेशन, मेरा ध्यान ऐसे गया, देखो रिकंसलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिमे इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, आपके पास से कोई वापस आ रहा है इंगेजमेंट करने, कमिटमेंट देने, आपको हायर लेवल ऑफ ग्रोथ देने। मरे जा रहे हैं, मैंने कहा ना रुकना नहीं, अब ऐसे नहीं किया, अरे नहीं नहीं दीदी उसको नहीं तड़पाना है, उसे तड़प होगी मुझे उसकी तड़प से ज़्यादा तड़प होगी दीदी, ये मत करना प्लीज़, एक्टिंग कम करो, ड्रामे कम करो, लाइफ में मज़े से रहो, क्योंकि जिस तरह से आपने अब शुरू किया है अपना पहल, उससे इनको तकलीफ़ हो रही है, और जितनी तड़प बढ़ा रहे हो, जितनी इनको मिर्ची लगा रहे हो, और जितनी इनकी सुलगा रहे हो, भाई साहब बहन साहब या बहन जी सॉरी जो भी है, मज़े बहुत आ रहे हैं। और इससे ये कम से कम इनको पता तो चल रहा है कि इन्होंने गलती की, जो ईगो है ना वो टूट रहा है इनका। ये जो वो बोले थे ना आपके मुंह पे कि फीलिंग्स नहीं है, या फ़ोन मत करो, या बात नहीं करना, या ब्लॉक कर देना, या इससे डरना उससे डरते फिरना, यही जो चल रहा था ना, वो एटीट्यूड टूटने वाला है, इनके घमंड को तोड़ने वाले हो आप बहुत जल्दी। तो इसी तरह बने रहो, बहुत ही मज़ेदार जा रहे हो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, रीडिंग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं, ढेर सारे लाइक चिपका डाले या सब्सक्राइब चिपका डाले, और ढेर सारा प्यार दें, और क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट में क्लेम करो इस एनर्जी को। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो येस आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और येस वो चार्जेबल रीडिंग्स होती है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग मुझे मेल्स कर रहे हैं तो मैं बता दूं मेरा मेल अकाउंट ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो मुझे मेल्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मेल करना आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि मेल्स अब मुझे नहीं आते, वो मेल अकाउंट हमने ऑलरेडी बंद कर दिया जिस पे आप पहले मेल्स किया करते थे, ओके। तो हमने एक नया अकाउंट क्रिएट किया है, हम फ्यूचर में उसे जरूर शेयर करेंगे। अब सिर्फ व्हाट्सएप का नंबर है, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप करें, और वो चार्जेबल रहेगा, फ्री नहीं। फ्री रीडिंग्स के लिए www.thedivinetarotonline.com करके एक वेबसाइट है, वहां जाकर विजिट कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगी फ्री रीडिंग, आप अपने कार्ड्स खुद निकालकर अपनी रीडिंग कर सकते हो। अगर आपको चाहिए ब्रेसलेट या आपको कोई और दुविधा या इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी रेमेडीज देखनी है तो जरूर आ जाए जल्दी से, वहां पे मुझे ज्वाइन करें, डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक्स वगैरह डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।